जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी फिजिका 10 ग्वालियर से। आज का जो स्पेशल वीडियो है कि जो 15 जनवरी को जो रिटर्न पेपर हुआ है उसका जो रिजल्ट है, आपको पता है कि पिछली भर्ती की तरह ही जो अग्निवीर का पहला बैच गया था तो उसमें तकरीबन बच्चों का जो रिजल्ट था वो तकरीबन बच्चों ने जो पेपर दिया था तकरीबन 29 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में तकरीबन सभी का रिजल्ट आ गया था। जिन बच्चों ने पेपर दिया था उस पर सभी का 15 और 14 दिन के अंदर सभी का रिजल्ट आ चुका था। इसी प्रकार से जो आपने भी पेपर दिया है, 15 तारीख को आपने पेपर दिया है तो उसका रिजल्ट भी आपको 30 और 31 को आपको पता पड़ जाएगा। तो इन्हीं बच्चों से, काफी बच्चों से मेरी बात हुई, काफी बच्चों के मैसेज आए, तो तकरीबन हमने काफी बच्चों से हमने पूछताछ करी और तब हमें कट ऑफ निकाला है कि तकरीबन इतने नंबर आने पर आपका क्या है, आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैं कट ऑफ आपको आज बता रहा हूँ तकरीबन ये, अगर आपके इसमें नंबर आपके आते हैं तो आप अपने बस अकाउंट खुलवाओ और अपनी तैयारी करो फौजी बनने के लिए और आप 100% आप फौजी, आप पक्का अग्निवीर आप बन जाओगे। तो अभी मैं आपको बीआरओ भाई आपको बिल्कुल बताऊंगा आपको, और उससे पहले जरूरी है कि जो बच्चे मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तो जो भी कर देंगे बेल आइकन बटन को पक्का दबा दें। और अपना जिन बच्चों को कट आउट के अंदर को लगता है डाउट सा लगता है वो मैसेज करके अपने अपने, जिससे हम ये कट आउट और 5 दिन बाद में और सर्वे कर रहा हूं और बच्चों जानकारी ले रहा हूं हर इलाके से, तो एक सर्वे फिर हम 5 दिन बाद निकालेंगे। तो आप, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें कि मेरे फिजिकल में इतने नंबर थे और फिजिकल पी बना के फिजिकल कर दें और आर बना के रिटर्न में मेरे इतने नंबर हैं, तो इससे क्या है, और आपका अपना नाम डालें जिससे हम क्या, हमें एक सर्वे फिर और हमें कट ऑफ निकालें तो जिससे हमें पूरा पता पड़ जाए कि हमारे बच्चे कितने बच्चे इसमें किसका सिलेक्शन आर्मी के लिए हो रहा है। तो यहां से अभी मैं लेता हूं कट ऑफ लेता हूं, जो अभी हमने कुछ बच्चों में सिलेक्शन में तकरीबन लिया है उसका लेता हूं मैं है। तो बीआरओ वाई है आर्मी, जो अग्निवीर आज जो रिटर्न पेपर हुआ है उसे कट ऑफ के ऊपर है। तो सबसे पहले जो मैं बीआरओ ले रहा हूँ, एक बार सब बीआरओ लूंगा, मैं कोई छोटे छोटे शहर और इलाका जिला नहीं ले सकता हूँ तो मैं ले रहा हूँ। तो ग्वालियर बीआरओ को जो तकरीबन कट ऑफ जो निकल रहा है 170, ये जीटी का मैं बता रहा हूँ आपको, जीटी का है, जनरल ड्यूटी का है, 170 से 175 के बीच में, जिसके फिजिकल और रिटर्न के नंबर जोड़ने से अगर आपके इतने आ रहे तो आपको समझो कि आपका सिलेक्शन 100% हो रहेगा। इसमें जामनगर का है 155 से लेकर 165 के बीच में, जो जामनगर बीआरओ का है 155 से लेकर 165 के बीच में। आगरा का है 170 से 175। देखो तकरीबन क्या है, तैयारी बच्चों ने बहुत अच्छी करी, कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, तो जितने बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा कट ऑफ निकल रहा है। तो आगरा का है 170 से 175, जोधपुर का भी जोधपुर बीआरओ का भी 170 से 175 है, और दानापुर का है 168 से 172, दानापुर का है 168 से 172, और गया का है 160 से लेकर, देखो एक ही, देखो गया का है यहाँ पे जो थोड़ा डाउन हुआ है 160 से लेकर और 165 तक, जो बच्चों को मैसेज आया 160 से 165 का है। यही से था आपको मुजफ्फरपुर का जो है 170 से 175, 170 से 175 तक आ रहा है मुजफ्फरपुर का। भोपाल का आ रहा है 166 से 170 आ रहेगा, यही है ना भोपाल का है। यहाँ बताओ आपको वाराणसी, इसका आ रहा 162 से 166, ये है ना 162 से 166 तक तकरीबन आप यहाँ पर कट ऑफ निकल डाउन हो रहेगा। लखनऊ का 168, लखनऊ 168 से 172 तक खेतरा है यहाँ पर। यहाँ पर गोपालपुर 150 से, गोपालपुर में थोड़ा क्या डाउन हो रहा है गोपालपुर के अंदर, है ना गोपालपुर 150 से 165 के बीच के जो बच्चे हैं वो जाएंगे इसके अंदर बिल्कुल। अमेठी के अंदर 168 से 172, ये जीडी की जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है इसमें ये हो सकता है कि आपका एक दो नंबर ऊपर या दो नंबर नीचे तक का आपका उसमें हो सकता है। यही से मैं बताऊं आपको टेक्निकल के अंदर, जो बच्चे टेक्निकल का इन्होंने पेपर दिया है वो ध्यान रखना, वो 170 से 175 के बीच में जो टेक्निकल के अंदर जो बच्चे फंस रहेंगे वो टेक्निकल में उनका सिलेक्शन पक्का हो रहेगा। लेकिन ट्रेडमैन की क्या है, ट्रेडमैन की जो भर्ती है उसके अंदर कट ऑफ 178 से लेकर 180 के बीच में बहुत ज्यादा ही खिंच रहा है, इसमें हो सकता है 184 तक भी खिंच सकता है, क्योंकि क्या है इसमें वैकेंसी हर जो बीआरओ में वैकेंसी होती है 10 से 15 के बीच में वैकेंसी होती है, यहाँ वैकेंसी कम होने के कारण क्या है यहाँ पर क्या है थोड़ा कट ऑफ क्या हो रहेगा 178 से 180 तक का यहाँ पर क्या होगा आपका कट ऑफ खींच रहेगा।
तो जो बच्चों को ये कट ऑफ के अंदर आ रहेंगे तो तकरीबन उनका सिलेक्शन है, जो नहीं आ पा रहेंगे तो डाउन हो रहेंगे। अपने फिजिकल के और रिटर्न के जो आपने सही किए गलत किए उनको काट के अपने नंबर को जोड़ लें। और ये अपने आप में हर बिहारो का मैंने कट ऑफ बताया, 5 दिन बाद फिर एक कट ऑफ निकालूंगा। तो जिन बच्चों को जो उन्होंने पेपर दिया है जो रिटर्न में बैठे हैं, अगर उनके तक अगर आप उनकी जान पहचान है तो आप अपना ये वीडियो उनको शेयर करें, और जिससे अपना वो और भी जो बच्चे हैं जो रह गए वो मुझे मैसेज करें, जिससे मैं एक अच्छा हम अपना बहुत अच्छा कट ऑफ निकाले। और भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।